हालेलुया। बीते 40 सालों से ऐसी कोई रात नहीं होगी जब तक ऐसे खड़े होके 2 घंटे 3 घंटे प्रभु का वचन न सुनाया गया हो। तो ऐसे समय में गले की हिफाजत करना हमारी जरूरत होती है और साथ ही आवाज थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि हम शांति महोत्सव मना रहे हैं। तो शांति महोत्सव मनाए तो शांति होनी चाहिए ना। हमारी भी आवाज आपके दिमाग तक नहीं परन दिल तक उतरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इन मध्य प्रदेश। परमेश्वर का राज्य सिर में नहीं है, दिल में है। इसलिए बातें सिर से दिल में जाना चाहिए। सिर और दिल के बीच में लगी हुई टोटी को जब तक खोलिएगा नहीं, तब तक स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य अंदर नहीं आएगा। और आज परमेश्वर पिता ने 3 दिवसीय शांति महोत्सव के पहले दिन में हमको यहाँ ले आए हैं, और आज का जो काफी समय है फॉर्मेलिटीज में चला गया, और हमारे पास में बहुत कम समय बचा है। कागज में लिखे हुए हिसाब के अनुसार हम 45 मिनट आपके साथ हैं, परंतु ये गलती कल दोहराई नहीं जाएगी। यदि आप हमें सही समय में नहीं देंगे तो हम खुद आके माइक ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है बड़ा बहुमूल्य है। सो बड़ी मुश्किल से हमने अपना समय निकाला है, इसलिए पेट भर खिलाने की इच्छा है, और ना पचे तो हो हाजमोला टिकाइए, परंतु हेल्थ बना के जरूर जाइए। सो परमेश्वर पिता हम सब के साथ अनुग्रह दे। कल हम बहुत से कार्यक्रम को कट शॉर्ट करेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दरिया से 2-4 बाल्टी पानी निकाला तो लेवल तो कम होने वाला नहीं है ना। इसलिए 2 घूंट पानी पी करके यदि गंगा बहा दिया जाए तो फिर हमें मिले भी क्या। ऐसे समय में हमें बड़ी सावधानी से परमेश्वर के वचन को सीखना है। चलिए अब हम बहस न करें वरन परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज की रात्रि काल में, खुले आसमान में, सुंदर मौसम में, प्यारे पिताजी आपने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम सब प्यारे पिता आपके दिल की धड़कन को सुन सके। समय के हिसाब से ऐसा नजर आता है न जाने कब आप आ जाएं। यदि हमारी तैयारी नहीं हुई तो आपको वैसे ही वापस जाना होगा जैसे आप आए हैं। हे पिताजी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। प्रभु अपने दास के होंठों को वेदी के आग से पवित्र कीजिएगा, बुद्धि के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण होने पाए। प्रभु आपका वचन हमारे हृदय की गहराई तक उतरने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। शार्प कीजिएगा, बेस कम कीजिएगा, हेलो, शार्प कीजिए, थोड़ा बेस कम कीजिएगा। पहले बहुत अच्छा था, सेट मत कीजिए बार बार, ठीक है। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 1वां पद। वहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसी तार में प्रभु ने 26वें पद में इस प्रकार से कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा।
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। शांति महोत्सव का बेस बनाने के समय पर हम चलेंगे तो उसी दिशा में जिस दिशा पर आप सुनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर जो कहना चाहता है उसे बहुत बारीकी से हमें सुनना होगा। बाइबल हमें बताती है शांति, ये जो शांति है कुछ एक ऐसा विषय है जो धरती के हर मनुष्य के जीवन में लागू होता है। आप किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, ईसा मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले किसी भी सिद्धांत के व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु शांति हर मनुष्य की जरूरत है। और इस बढ़ती हुई तकनीकी के युग में यदि आज की तारीख में देखें तो मनुष्य एक छोटी सी मशीन की ओर 24 घंटे ताकते रहता है, और जितना ज्यादा ये हाथ में रखे हुए टेक्नोलॉजी या तकनीकी के इस महत्वपूर्ण मोबाइल में जिसमें सारी दुनिया समाई है, हर जगह पर यदि आप देखें कान में दो ढक्कन लगे हैं, उससे एक वायर इससे जुड़ा हुआ है, कोई किसी को देखता नहीं। पैर गड्ढे में गया, जाने दो, प्लास्टर बाद में लगवा लेंगे, पहले तो इस मोबाइल की बटन दबाने दो। इस तरीके से मनुष्य जितना ज्यादा तकनीकी वाद में लुप्त है ना, उसके मन के अंदर उतना ही ज्यादा अशांति, उतना ही ज्यादा पीड़ा, मनुष्य अकेला होते चला जा रहा। यदि किसी व्यक्ति को जियो सिम देकर के इंटरनेट यदि 6 महीना के लिए जेल भेज दे तो माँ बाप को बाय बाय करके लव यू करके चला जाएगा, क्योंकि अकेले में जरा ज्यादा ही मजा उठाने में मजा आएगा। कुछ ऐसे समय में संसार किस ओर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता। यदि आज देखें भारी मात्रा में परिवार मानो टूट से चले गए। पत्नी कहती आप मुझे प्यार करते नहीं, पति कहता है तुम मुझे प्यार करते नहीं, और टेंशन मत दिया करे, क्योंकि वे बार बार कहती है ना आओ ना, वे अकेला पसंद करते हैं। इस तरीके से परिवार में देखो तो बड़ी वीरानियत है। मनुष्य के जीने के लिए अब तमन्ना नहीं रह गई, मानो वह अपना जीवन एक बोझ के समान ढो रहा, कुछ ऐसे ही नजर आ रहा। कहने का मतलब यह हो गया, ज्ञान बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, परंतु मन के अंदर जो वीरानी और अशांति पाई जाती है उससे मनुष्य न जाने किस ओर जा रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसी कारण से इस धरती के अंदर एकमात्र किताब है जिसके मुख्य हीरो ने यह बात कहा था, मैं तुम्हें शांति देता हूं। शांति की आवश्यकता हर मनुष्य को है। शांति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। कोई कहीं शांति खोज रहा है, कोई कहीं। हर धर्म के लोग शांति की तलाश में, परंतु हम जिस शांति की राजकुमार की आराधना करते हैं, मैंने नहीं सुना कभी कलीसिया ने, किसी याजक ने, किसी विश्वासी ने यह भी प्रार्थना किया होगा कि हे प्रभु मुझे शांति दे। रोटी मांगी, कपड़ा मांगा, चंगाई मांगी, छुटकारा मांगा, पर आप भी अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के पूछो, कभी अपन ने शांति के राजकुमार की भक्ति करते समय ये कहा था प्रभु मुझे शांति दे? अब आपने मांगा ही नहीं तो मिले कहां से? प्रभु जी कहते हैं अब तक तुमने मुझसे नहीं मांगा, मांगते तो पाते, अब मांगा ही नहीं शांति तो मिले कहां से? यही कारण है आज विभाजन है, सिद्धांतवाद के आधार पर, कलीसियावाद के आधार पर, संस्थावाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, रंगवाद के आधार पर। हम एक बाइबिल के प्रभु की भक्ति करते करते हमने 3334 डिनोमिनेशन बना लिया,
और यदि हम एक मैदान में खड़े हो जाएं तो कुर्सी अपने ठिकाने पर नहीं रहेगी। इतनी अशांति है मसीह समुदाय के अंदर में, एक दूसरे से हम इतने दुखी और नाराज हैं, कहा नहीं जा सकता, पति पत्नी से, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह टेंशन और तनाव से परिपूर्ण दुनिया है। ऐसे समय में प्रभु जी का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति। हर एक व्यक्ति शांति की बात कर रहा है। कोई कहता है ओम शांति, प्रभु जी के वचन में लिखा है यशया की किताब के 9वें अध्याय में, मैं शांति का राजकुमार हूं। कोई नदी जा रहा है, कोई पहाड़ जा रहा, कोई तिलक लगा रहा, कोई बाल बढ़ा रहा, कोई बाल कटा रहा, पता नहीं किस किस प्रकार की कर्म कांड मानव के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे समय में शांति कहां? ये शांति है क्या चीज? शांति पाना है बोल करके सब भाग रहे, परंतु शांति है क्या? कभी किसी किताब में शांति की परिभाषा आपने देखी थी क्या? हमने इतनी जब तब तपस्या की, कोई शांति की परिभाषा छोटी सी बुकलेट के 2 लाइन में लिखी। यदि मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई जी शांति क्या होती है, तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाएगी। जब हमने सबसे पहले 1978 में संदेश देना शुरू किया था, वैसे तो पहले सबसे पहली बार हमने 1970 में पहला वचन परमेश्वर का वचन सिखाया था, परंतु जब 3 सितारे वाली वर्दी पहनने के बाद एक दिन प्रभु ने दर्शन दिया, हम सेवा में निकल पड़े 1973 में, अन्य जाति 1978 में, अन्य जातियों के बीच में जब हम जाने लगे तो हमको कुछ आता वगैरह नहीं था। हम कागज देते और कहते लो इसे पढ़ो, शांति मिलेगी। उस समय हमने कह जरूर दिया शांति होती, शांति मिलेगी, परंतु शांति है क्या बोल करके अभी तक हमें नहीं समझ में आया। यदि मैं आपसे पूछूं ये शांति क्या चीज है, चले तो हम मनाने के लिए शांति महोत्सव, पर ये है क्या मुसीबत? शांति की परिभाषा क्या है? एक चिड़िया है जिसका न सिर है न पैर है, उसका वजन भी नहीं है, वो दिखती भी नहीं है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं, सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, पर वो है क्या? आपने हमने कभी सोचा ही नहीं उसकी परिभाषा होगी क्या, शांति 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 शांति। आखिर ये शांति क्या है? चलिए आप ही निकाल लीजिएगा परिभाषा, हम आपके सामने कई प्रश्न खड़ा करेंगे और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तव में शांति है क्या। जरा देखिए यहां से आवाजें आ रही हैं, शादी हो रही है, मुसीबत वो भी है हमारे लिए भी है, वहां से आवाजें आ रही हैं। हमने पूछे यहां क्या दूसरी मीटिंग चल रही है क्या? अच्छा हुआ नहीं चल रही थी, पता चला शादी है तो थोड़ी शांति मिल गई। तो है क्या शांति? जरा देखिएगा वहां, यदि यहां शादी के ड्रम बज रहे हैं, यहां लाल बत्ती आ गई, एक कार बीच में खड़ी है उसका सेल्फ खराब हो गया, पीछे से सारे लोग हॉर्न बजा रहे, पे 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 शोर हो रहा, यहां शादी का डीजे बज रहा और यहां क्रिकेट चल रहा, सब लोग चिल्ला रहे हो इंडिया पाकिस्तान जो कुछ भी है, हम कह रहे हैं बहुत शोर हो रहा है, अचानक कार बाजू हो जाए, लोग हॉर्न बनाना बजाना बंद कर दें और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो इक्विपमेंट ही नहीं चलेंगे तो बाजा बजने का सवाल ही नहीं उठता है, और उधर पर क्रिकेट का खेल गेम खत्म हो जाए तो तीनों तरफ से आने वाली आवाजें जब रुक जाती हैं तो हम कहते हैं आवाज शांत हो गई है। तो फिर शांति है क्या चीज? आगे चले, यहां से भारी समुन्द्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें चल रही है, बड़ा करंट चल रहा है, पानी ऊपर नीचे हो रहा है, नाविक घबरा गए, उनकी नावों में पानी जा रहा और वो ऊपर नीचे हो रहा, वे बड़े परेशान से हैं। अचानक तूफाने आना रुक जाती हैं और जहाज शिथिल हो जाता है, अपनी जगह में बहुत आराम से चलने लगता है, तब हम कहते हैं समुन्दर शांत हो गया है। जी हाँ,
बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा बाल वगैरह बना के आए थे हम, हवा में सब उड़ गए, अस्त व्यस्त हुए जा रहे हैं, कपड़े लगाया था फेयर एंड लवली, परंतु धूल आकर के लव यू कर गई हमारे माथे पर। ऐसे समय में हमारे सारे बाल बिखर जाते, दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह, और हम ठीक करते, और उसके बाद में जब हवाएं चलना बंद हो जाती हैं तो हम कहते हैं हवा शांत हो गई है। तो फिर शांति क्या है? करते रहिएगा चिंतन। एक शब्द में हम कहना चाहते हैं, तूफानों के रुक जाने की घटना ही शांति होती है। अब तूफान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह आवाजी तूफान हो, या हवा का तूफान हो, या समुद्री तूफान हो, तूफान के थमने की दशा को शांति कहा जाता है। हमारी जिंदगी में भी तो न जाने कितने तूफान आए हुए हैं। किसी के परिवार में महाभारत हो रहा है, शांति की तलाश। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी आ जाती है, बीमारी का तूफान उठा हुआ है। गरीबी में पड़ा हुआ इंसान कहता है मेरा एक घर हो जाता, मेरे पास में गाड़ी हो जाती, मेरे पास खाने के लिए कुछ हो जाता, पर गरीबी का तूफान उसे दबोचे दे रहा है। शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ते चली जा रही है, तनाव बढ़ते चला जा रहा है, शादी नहीं होने का तूफान उठा हुआ है, और जैसे तैसे हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, तो बच्चे नहीं हो रहे का तूफान उठा हुआ है। पति कहता है ये पत्नी जब से मैंने शादी किया हूं लुट गया लुट गया लुट गया। ये कहती है मैडम तू क्या लुट गया, मैं लुट गई, तुझे तो कोई घास भी नहीं दे रहा था, वो तो हाथ थाम लिया जिंदगी के लिए, धन्यवाद कर। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर में अंडे और टमाटर फेंक रहे हैं। अब आप बताइए कहां की शांति बाबा। दोनों गुड मॉर्निंग है, उसके बावजूद भी दिल लगता नहीं, पड़ोसन की खिड़की झांकते हैं। अब पत्नी कहां से झेलेगी आप ही बताइएगा, मैं तुमको दिख नहीं रही, सामने क्या देख रहे हो, यूं करके। कहने का मतलब है तूफान तो वहां भी आया है। आपको शांति से क्या समझ में आता है? पैसे नहीं है तो अशांति, प्यार ना करे तो अशांति, और बच्चे तो आजकल के ना हाइब्रिड्स, बिल्कुल तूफान सर, सुनते ही नहीं किसी की, इसलिए तो चले धीरे धीरे फुटबॉल ग्राउंड बने जा रहे हमारे पास। तो एक तो शैंपू ने हमारे कुछ नोचे थे, परंतु बाकी बचे हुए हमारे बाल बच्चे नोच गए। कहने का मतलब है आज 99% मामा और पापा अपने बच्चों के विषय में तनाव में पड़े हुए हैं, ये भी तो तूफान है ना। आज 90% मामा और पापा को ब्लड प्रेशर और शुगर इनाम देने वाले वे जवान युवा और युवती हैं जो उनकी बात नहीं मान के उनके विद्रोह में काम करते हैं। आपको क्या लगता है? पढ़ाया तो था आपने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, परंतु वे तो मानते तो नहीं ना है तुम्हारी बातें। टेंशन, ग्रेजुएटी से बना के दिया था मल्टी स्टोरीज कमरा, जब हम बूढ़े हो गए तो खांसी आ गई। बुड्ढा बुड्ढी को कहते हैं ये पापा रात भर खांसते हैं, ऐसा कीजिएगा इनको तो कुत्ते के घर के बाजू में जो स्टोर रूम है ना, जहां पुरानी पलंग और कुर्सियां पड़ी हैं, उसको खाली कर दो और वहीं पर ले जाके इन दोनों की पलंग रख देना, और पुराने जमाने का सिन्नी वाला पंखा जो चक्की के समान घड़रड़ 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 करता है वो लगा देना। जिस बाप ने बेटे को ना एसी लगा के दिया था, उसको सिन्नी का पंखा दे के कुत्ते के बाजू में घर दे दिया। अरे बदनसीब माँ बापो, हमने अपनी औलादों के लिए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाई थी, उन्होंने हमको कुत्ते के घर में रोटी दे दी। आपको मालूम होवे ये रात भर कंप्यूटर में काम करते हैं तो 10 बजे तक सोते हैं, और पापा तो 5 बजे से भजन भक्ति करते हैं, भाई तो टेंशन तो उनको भी ना है। ऐसे समय में नौकरानी को कहते हैं सुनो पापा को 5 बजे चाय और 8 बजे नाश्ता और हमको 10 बजे तक डिस्टर्ब करने का नहीं। आई तो थी विदेश से बहुरानी, परंतु आज तक बूढ़े माँ बाप को उसने कभी पराठा और रोटी नहीं दी, दिल तो उनको भी रोता है। आपको क्या लगता है आज 90% मामा और पापा अपने बेटे और बहुओं के कारण रो रहे हैं? कहां शांति? बाइबिल पढ़ने से नहीं मिल रही है, दुआ करने से नहीं मिल रही, इसलिए हम समय से पहले चर्च में जा बैठते हैं, क्योंकि वहां तो चार हमारा सिर खाते हैं, पिलपिट में तो एक ही खाने वाला है ना।
इसलिए शांति वहां मिल जाती है। हमें एडवांस में आना ज्यादा अच्छा लगता है, टेंशन टेंशन टेंशन, शांति नहीं है मेरे प्रियो। अलग अलग जिंदगी में अलग अलग प्रकार के तूफान उठे हुए हैं, न जाने कितने प्रश्नवाचक चिन्ह हमारी जिंदगी पर लगे हैं, जिसका समाधान हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी बाइबल स्टडी और हमारी डिग्री ETH BTS CTH PhD वगैरह भी नहीं दे पा रही। इनका क्या समाधान है? इन सब बातों से हमें आजादी कहां से मिले? हम बाहर अकेला ना देखें, मामला तो अंदर भी खोखला है। हम उनको शांति की बात करते हैं, पहले तो हमें शांति मिलनी चाहिए। शांति तो नदारत हमारे दिल में है, हम क्या दूसरों की शांति की बात करते हैं? कहने का मतलब ये है, आज भी जिस विषय के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, जिस वस्तु को खोजने के लिए सारी दुनिया भाग रही, और हम जो दावा कर रहे कि हम शांति के राजकुमार की आराधना करते, परंतु धड़कते सीने की तरफ हाथ रख करके अपने आप से पूछिएगा, क्या कोई तूफान, क्या कोई जिंदगी का पल जहां पर कोई तूफान नहीं, जहां पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, जहां पर हमें कुछ कहने को कुछ नहीं, क्या कोई ऐसा खाली स्थान भी है? तो फिर हम कैसे कह दें हमारे पास में शांति है? इस धरती के अंदर मनुष्य अशांत है। हम शांति के महोत्सव की बात कर रहे और हम एक समा बनाने का काम कर रहे हैं, पर बाइबल हमें एक और बात बताती है, और वो ये है कि 27वें पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये बात जाता हूं बोले तो प्रभु जी का वचन कहता है, जरूर कोई ना कोई बात जाने के समय कही गई है। ये कौन सा समय था जब प्रभु ने ये बात कही थी? जरा देखिएगा लूका रचित सुसमाचार, और उसका यदि मैं 24वां अध्याय पढ़ूं और 36वें पद में, तो वहां ऐसे लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सबसे पहला वचन, तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हाड़ मांस नहीं होते जैसा तुम मुझ में देखते हो। लिखा है चेले शांति देने वाले को ये समझ बैठे कि ये भूत है। जरा देखिएगा, अब भूत है बोलकर के यदि आप समझिएगा तो शांति तो धुआं बन के निकल जाएगी ना, ठंड होगी तो अभी पसीना छोड़ दीजिएगा, और धरती पर जितने चहेते हैं सबका नाम मुंह में आ जाएगा, याद रखना, काका मामा नानी दादा दादा दादा, लव 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 लव। कहने का मतलब यह है, यदि भूत खड़ा हो जाए तो एड़ी का भी पसीना निकल जाता है। जिस प्रभु ने उन्हें शांति की बातें की, वे घबरा गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज हमारे साथ भी तो यही होता है, जिसने कहा शांति मिले हम टेंशन में आ जाते हैं। हेलो हेलो, हम कहें हेलो तो आपने कहना यस, जवाब दिया तो जाग रहे, नहीं तो गए कोमा में। हेलो यस, भाई प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांति मिले, यही वो प्रभु है जो गेतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, पर मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। गया चेलों के पास में जाके कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी ना जाग सके? मैं व्याकुल हूं। वो घबरा चुका था, उसकी शांति मानो समाप्त सी हो चुकी थी। वह दोबारा फिर आया और कहने लगा, देखो तुम मेरे साथ एक पल भी जाग ना सके?
अरे जो शांति का राजकुमार है वह इतना अशांत हो गया, जिसने दुनिया को शांति देने की बात करने का अभियान छेड़ के रखा था, आज की तारीख में वह अपने चेलों से तूफानी लहरों के बीच में अपने लिए तसल्ली की भीख मांग रहा है। ये समझ में आखिरी दिन आएगा। अभी तो आप जब कपड़ा बनाते हैं ना, तो सीधे सीधे धागा खींच देते हैं, उसको बोलते हैं ताना। और जब धागा लंबा लंबा खिंच जाता है, तब उसके बाद में एक के बाद एक धागे को आगे पीछे डालते, उसको कहते हैं बाना। जब ताना ताना खिंच गया तो उसे कपड़ा नहीं कहते, ताने के बाद में बाना आ जाए तो वह ताना बाना बनकर के कपड़ा बन जाता है। देखिएगा, आज हम संदेश में सीधा सीधा धागा खींचेंगे और दूसरे दिन थोड़ा सा बुनने की कोशिश करेंगे, आखिरी दिन तो समझ में आ जाएगा कि कपड़े में कौन सी छाप लगी हुई है। परंतु आना बराबर और कुर्सी भर देना बाकी पीछे की। चलिए आगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रभु जी ने कहा तुम्हें शांति मिले, जो पहले अशांत था जो आज शांति देने आया है, और वो ये कह रहा है तुम्हें शांति मिले। परंतु चेले तो उसको देखकर के घबरा गए। अब समझ में नहीं आता, प्रभु बोल रहे शांति मिले और उनको आ गई घबराहट, तो उल्टा ही ना हुआ। उत्तर जाइए तो दक्षिण चल पड़े हम, शांति की बात सुनते बराबर टेंशन में आ गए। आखिर शांति देने वाला शांति देने आए तो तुम्हें टेंशन क्या हो रहा है? यही तो समस्या है। दुनिया के लोग हमसे ज्यादा शांत हैं और हम कह रहे हैं उनको शांति नहीं, पता चला हमारे पास नहीं, क्योंकि चेले भी तो उसी मुसीबत में फंसे थे। जब प्रभु कह रहे हैं शांति मिल जाए, तो प्रभु के चेले कह रहे हैं बाप रे बाप, भूत, तुमको मैं भूत दिख रहा हूं क्या? मेरे पैर उल्टे हो गए, मेरे दांत निकल गए, मेरे सिर से सींग निकल गए, गाल में चिकने थे जो बाल आ गए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो वैसा ही हूं ना। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे जरूर आज तक मरा हुआ समझा, और यकीन नहीं है तुम्हें मेरे जी उठने के ऊपर में। पिन पॉइंट, यदि तुम्हें मेरे जी उठने की सच्चाई मालूम होती ना, तो तुम मुझे भूत की उपमा नहीं देते, क्योंकि शांति तो जी उठने वाले प्रभु के पास है। ऐसा वाला बात उसने पहले नहीं कहा था, वरन जी उठने के बाद ही कहा था। उसने तो दूंगा बोला था, परंतु यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है अब वो समय आ गया है तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, बाइबल का प्रभु जी कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इससे ऐसे पता चलता है कहीं ना कहीं शांति का हमारी जिंदगी के साथ में तार जोड़ने का मौसम उस समय शुरू होता है जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के अधिकार में आकर के खड़े हो जाते हैं। Without the power of resurrection, he is not worthy to release the peace of God through his own ministry. याद रखिएगा, एक सबसे आवश्यक बात है। इसलिए यूहन्ना में प्रभु जी ने 28वें पद में कहा शांति दिए जाता हूं। देने का काम जाने से पहले, इसका मतलब है यीशु मसीह इससे पहले कि स्वर्गारोहण की दशा में चले जाते, वे अपने चेलों को शांति की बातें कह रहे हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं शांति जी उठने के साथ और यीशु के आकाश पर उठाए जाने के पहले वाला मामला है। यदि आपने इस महत्वपूर्ण लम्हों को, इस महत्वपूर्ण स्थान को जहां पर शांति हमारे लिए विरासत बन जाएगी नहीं समझा, तो आप जितना ढोल ड्रम गिटार बजाना है बजाते रहिए दुआ प्रार्थना का, ये शांति वगैरह आने वाली है नहीं। टेंशन में मत रहिएगा, समझ नहीं हमारी जरूरत है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। पर एक और बात प्रभु जी ने कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अब समझ में नहीं आता, हे प्रभु आपने बोल दिया शांति दिए जाता हूं, अब आगे चलो ना अपनी लगा के शांति फिर दिए जाता हूं, ये दो दो बार बोल करके पन्ना खराब करने की क्या जरूरत है? प्रभु कहते हैं तुम्हें समझने के कान और बुद्धि भी न चाहिएगा, शांति बोले तो शांति होती है और अपनी शांति बोले तो सुप्रीम शांति होती है। इसका मतलब पहली वाली शांति और दूसरी वाली
खिचड़ी मत बनाओ रे बाबा, ये कोई बिरयानी है नहीं। पहली वाली शांति जाने के पहले और अपनी वाली शांति, वो तो बात की बात है, आगे चलेंगे। जरा ध्यान देना, जिस यीशु ने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, इसको एक तरफ रखिए, उसी यीशु ने दूसरे स्टेंजा में कहा था अपनी शांति दिए जाता हूं, यहां भविष्यवाणी है। जरा देखिएगा, शांति और अपनी शांति, यदि शांति ही अपनी शांति होती और अपनी शांति ही शांति होती तो बार 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 उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम समा बनाने में एक 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 अध्याय पढ़ेंगे। चलिए सर, लूका रचित सुसमाचार, हम सर सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है, पवित्र आत्मा कहां ले जाए हमें कुछ आइडिया नहीं। हम तो आते आते ये कह रहे थे सुना दे अपने दिल की धड़कन, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह दीजिएगा। सो आप यहां पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ठीक है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार में और उसके 16वें अध्याय में और उसके 25वें पद में देखें तो यहां लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, अब वह यहां हमारे पीछे। बोलिए यहां, जोर से बोलिए ना, यहां शांति पा रहा है। यदि मैं कहूं कहां यहां तो कहां, हाँ यहां शांति पा रहा है। किसने किसको बोला और कब बोला, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अंधेरे को फायदा ना उठाएं। बाइबल कहती है यहां कहां, लाजर के मरने के बाद जब वह इब्राहिम की गोद में चला गया है, वहां। अच्छे से याद रखिए, द पीस आफ्टर द डेथ, पीस बिफोर द डेथ। दो प्रकार की शांति है, मृत्यु के पहले वाली शांति और मृत्यु के बाद वाली शांति। खिचड़ी ना बनाओ, कहने का मतलब ये हो गया कि शांति हमको मृत्यु के पहले चाहिए, 70-80 बरस की जिंदगी में, शांति मरने के बाद भी चाहिए, नहीं तो पता चला गए धनवान के साथ में बिना ड्रम बीट के डिस्को मारना शुरू करें। आएंगे तुम तो 5 मिनट न रख कर विजिट करके आइएगा, हमारा सारा समस्या जो है ना आपके मामले में समाधान हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है मृत्यु के बाद वाली अशांति, और मृत्यु के बाद वाली शांति के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सब चंगाई का डंडोरा पीट रहे, हे प्रभु नौकरी दे दे। और हमारी बिटियाएं भी कहती हैं यदि तू मुझको नौकरी देगा ना तो पहला पगार तेरा। तो प्रभु कहते हैं 40 साल का तेरा और मेरा एक ही महीने का, ये धंधा नहीं पड़ता। सर एक महीने की पगार में 40 साल की नौकरी, तुम ये तो प्रभु जी के साथ में बड़ा घाटे वाला बिजनेस हो गया रे बाबा। तो प्रभु जी कहते हैं ना 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 ना, नौकरी के बाद में अभी तो 10 रुपए डाल भी जाती है, नौकरी के बाद में टाइम न मिलेगा तो चर्च भी नहीं आएगी तो वो 10 भी घाटा, तो तुझे 40 साल की नौकरी दे करके 10-20 हजार एक ही बार में इंस्टॉलमेंट में ले लिया और 40 साल तूने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया तो मैं तुझको नौकरी देने वाला हूं ही नहीं। ये गलत प्रकार का बिजनेस मैं नहीं करता, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि आज मनुष्य जो है ना मृत्यु के पहले, अभी एक सबसे बड़ी समस्या यह है बहुत से लोगों को मृत्यु के पहले वाले जीवन में भी शांति से कोई लेना देना नहीं है। अरे जिसको मृत्यु के पहले वाले जीवन में शांति की जरूरत महसूस नहीं हुई या वो हमारी जरूरत है बोल करके हमको समझ में ही नहीं आया और अंधकार की सत्ता हमको मृत्यु के पहले वाले जीवन में अर्थात पैदा होने से लेकर मरने के बीच में जो शांति चाहिए उसमें ऐसे करके ढक्कन लगा दिया, हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो आप खुद बताइए सर, हमको पहले वाली शांति के मामले में नई आइडिया तो बाद की वाली शांति के बारे में हम क्या कह दें।
इधर तो भाई कोई मर गया, अब हम जैसे याजक जो है ना जाके कब्रिस्तान में। एक विश्वासी था, जिंदगी भर बीड़ी पी करके पत्नी को मारते रहा और दारू भी पीते रहा, और कब्रिस्तान में ले गए और हमने कहा हे प्रभु तू अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। हमें समझ में नहीं आता तो जिंदगी भर पत्नी को पीटा और दारू पिया, वो परमेश्वर का दास हुआ कहां से? ऊपर वाला कहता है कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन, वो मेरा दास है ही नहीं। हे प्रभु तू अपने पास बुलाया, बोले मैं नहीं बुलाया, ये लाजर की जगह में नहीं है, धनवान की जगह में है। तेरा एंटीना सेट कर ले, हर ऊपर नहीं गया याद रख लेना, 99% नीचे गए, हमने बुकिंग कर दिया ऊपर, क्या करिए, 10 रुपए के चंदे का कर्ज, झूठ बोलना पड़ता ना कब्रिस्तान में। चोट मत खाइए, और यदि लग जाए तो 2 रोटी हमारे नाम से अपनी घर में खा लेना, परंतु सच्चाई तो सुनना पड़ेगा। बाइबिल का प्रभु कहता है शांति शांति शांति, मृत्यु के बाद वाली शांति, मृत्यु के पहले वाली शांति। जी हां, अब हम एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। ये शांति मिलेगी कब, कहां, कैसे, कई प्रश्न है। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 19वें पद को, तो वहां बाइबल हमें बताती है यदि हम केवल इस ही जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। यदि मैं इस ही जीवन में जरा शब्दों को बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, इस ही जीवन में, यदि इस जीवन की कहानी है तो और भी जीवन होगा, इस जीवन या उस जीवन, इस ही जीवन में बोले तो मनुष्य के पैदा होने से लेकर के मरने के पहले की दशा में इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ, मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन। बाइबिल के प्रभु बोलते हैं मृत्यु के पहले वाले जीवन में यदि कोई मसीह से आशा रखता है तो वह अभागा है। अभागे को उर्दू में बोलते हैं लानत, और उसको अनुवाद किया जाए तो श्रापित। श्रापित सब मनुष्यों में घटिया है वो आदमी, सब मनुष्यों में श्रापित है वो आदमी, औरत भी, सब मनुष्यों में निकम्बा है वह व्यक्ति जिसने मृत्यु के पहले वाले जीवन को फोकस बनाते मेरे प्रभु की आराधना किया है। जरा गौर से सुन लीजिएगा, अभागा है वह, फूट गई किस्मत उसकी, उसका दर्शन चकनाचूर हो गया, ही इज अ ब्लाइंड लाइक एनीथिंग, जो मृत्यु के पहले वाले जीवन को आधार बनाकर मेरी प्रभु की भक्ति करता है, उसकी आराधना करता है। अब आपको आपके अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के अपने आप से प्रश्न करना होगा, जरा सोच के देखिएगा, आप अपनी प्रार्थना बचपन से लेकर के अभी तक, यदि आप उसको रिकॉर्ड करें, या हफ्ता 15 दिन की ही प्रार्थना आप अपने मोबाइल में, अनजाने में कोई आपकी प्रार्थना को रिकॉर्ड कर ले, और उसके बाद आप अपने घर के टेरेस में जाना और अकेले सुनना, तो जरा हमारी प्रार्थना उसमें हमने किन किन विषयों को लेकर के प्रार्थना किया था।
यदि आप प्रार्थना को ऑब्जर्व करें और उसको खोज निकालें और देखें तो हमारे 70 बरस की जिंदगी, 80 बरस की जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, बीबी, टीवी, घर द्वार और इस विषय को लेकर के प्रभु को सताने का और कोई मामला नहीं था। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक तार है और सुबह, दोपहर, शाम, सोते बराबर, उठते बराबर उसमें एक ही अलाप निकलता। इसमें तो 6 और 4 तार हैं, परंतु हमारी प्रार्थना की गिटार में एक ही तार है। सुबह शाम एक ही अलाप निकलता है, एक ही अलाप निकलता है। वो वाला गाना प्रार्थना का गाना गा के बताएं क्या आपको? चलो हो ही जाए आज। तो हमारी प्रार्थना कुछ इस तरीके से है, जरा सुनिएगा। ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, क्या रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से आमीन। रोटी, कपड़ा, नौकरी, बीबी, धन, अमेरिका, लंदन, फंदन, दुनिया भर का चीज, इसमें केवल शरीर को सुख देने के अलावा और हमारा कोई मोटिव है ही नहीं। शांति तो करोड़ों मील दूर है सर, आपको तो रोटी से फुर्सत नहीं, शांति क्या करिएगा? बीबी से फुर्सत नहीं, शादी ना हो तो टेंशन, हो गए तो टेंशन, और बच्चे नहीं हो रहे तो टेंशन, और हो गए तो टेंशन। माँ बाप लोग आते कहते पास्टर जी इसके लिए दुआ करो, बहुत शैतानियत करता है। अब तुमको बेटे के नाम में शैतान लगाने की क्या जरूरत? तुम खुद ही रजिस्ट्री कर लिए बचपन से, और नहीं मानता तो गधा कहीं का, उल्लू, बकरा, कुत्ता, धरती पर जितने पशु हैं सबको अपने बच्चे के नाम में PhD दे करके रख दिए। अब तुम खुद जिंदगी भर कोस रहे कुत्ता बकरा, तू तो कभी पास नहीं होगा। अब पास कहां से होगा, तुमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर रखी, फिर फेल हो गया, ये तो फेल हो गया, भविष्यवाणी तो मैम आपने की थी, ये तो कभी पास नहीं होगा। शैतान कहता है आमीन मारो रे सारे भूत, इसने बोल दी कभी पास नहीं होगा, तेरा बेटा कभी फर्स्ट क्लास पास नहीं हो सकता। कुत्ता अब भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा, बकरा तो सींग नहीं मारेगा तो क्या करेगा, टेंशन क्यों लिए आपने? रॉन्ग कन्फेशन। न जाने कितने पशुओं का नाम जोड़ देते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में, तीसरे आसमान वाला तो सुनता ही नहीं, दूसरा वाला ठोके दे रहा है आमीन आमीन आमीन। अब दूसरों के, दूसरे आसमान वाले से तुमने आमीन बोल बोल ठुकवा लिया, अब तीसरे आसमान वाला मेरी कहां से सुन लेगा? इसलिए अपने बिगड़े बच्चों की जवाबदारी आपकी अपनी है, क्योंकि आपने कभी अपने, किसी ने तो कहा था, कहा देता, कह देता आ मेरे एलिया, आ मेरा गांधी, आ मेरा नेहरू, कोई तो बोल देता, कुत्ता बकरा के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास में। कहने का मतलब यह है तुम इस जीवन की चिंता करते हो, हमारी प्रार्थना में आवश्यकताएं हैं, हमारी प्रार्थना में कंफर्ट जोन है, हमारी प्रार्थना में हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी प्रार्थना में हमारे भौतिक आराम का मामला छुपा हुआ है, हमारी भौतिक कुर्सी के लिए दुआ कर रहे। हम अपने उस जीवन की बात नहीं कर रहे, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। किसी ने तो थोड़ा सोचा होता 70 बरस की जिंदगी के बाद एक और भी जीवन है, उस जीवन के बारे में कोई नहीं जानता। द लाइफ आफ्टर द डेथ, मृत्यु के पहले वाला जीवन तो 70 के बाद में, 80 के बाद में, अरे भाई साहब गया पुराना जमाने का घी, तुम 70 साल जिएगा, अरे 40-45 में आदमी बुढ़ा नजर आने लगता है, गई पुरानी बातें, सोडा की संतानें क्या 80 साल जिएंगी? इसलिए 70 बोल दिए तो ग्रेस पीरियड पर चल रहे हो मान के रखिएगा, नहीं 60 में निपटारा हो जाता है इंसान का, सोडे की औलादे हैं हम। कहने का मतलब ये हो गया, अरे रात को इतनी बड़ी लौकी थी, इंजेक्शन लगाया इतनी बड़ी, तो 90 साल जिएगा, दिमाग खराब है, है? सारा केमिकल खा रहे हैं आप सर, क्या बता दें, चावल भी केमिकल, आजकल नकली अंडे भी आने लगे, हद हो गई धरती के अंदर में। कहने का मतलब ये हो गया, और कहते हे प्रभु
तू मुझको लंबी उम्र दे, ये खाइए वो खाइए, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट कर रहे, और आजकल की तारीख में खाने पीने की तो बात ही बंद कर दीजिएगा। सबसे बड़ा बिजनेस होटल का है, जिसको धनी बनना है होटल खोल लीजिएगा, करोड़पति रातों रात बन जाता है आदमी। और हम भी दीवाने, घर में रोटी खाते ही नहीं, वही रोटी पत्नी बना के दे तो अच्छी नहीं लगती, वही होटल में पैसा दे करके खाने में बड़ा मजा आता है। क्या करिएगा, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है ना, इसीलिए उसी स्टेटस के हिसाब से बिल भी बनता है हॉस्पिटल का, याद रखना। समझ गए हो गए, खाइए फास्ट फूड और उम्र में माइनस करवाइए। कहने का तात्पर्य यह हो गया, इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए जी रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रभु से आशीष मांग रहा, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस ही जीवन की बात यदि आप कीजिएगा तो हम धरती में सबसे अभागे इंसान हैं। यह तो 70 बरस का जीवन है, परंतु मृत्यु के बाद वाला जो जीवन है ना, वह 70 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों और खरबों साल तक एंडलेस, जिसने कहा अल्फा और जिसने कहा ओमेगा, वही 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 वाला जीवन, ओमेगा वाला जीवन तुम्हारे लिए मृत्यु के बाद में रखा हुआ है। उसकी तैयारी किसी को नहीं है। बचपन से लेकर अभी तक रोटी के लिए ही दुआ करते रहे, बचपन से लेकर अभी तक नौकरी के लिए, बेटा के लिए, बिटिया के लिए, नानी की नाक में नली लगी है, अरे खुदा बाप इनको बुद्धि दे दे, नानी के नाक में लगी नली से निकल जाने के बजाय हम ये भी तो कह लिए होते कि हे प्रभु तू मुझे अनंत जीवन में उस इब्राहिम की गोद में लाजर के साथ वाली शांति प्राप्त करना है तो मुझे धरती पर क्या उपाय करना पड़ेगा, इस उपाय में तो किसी ने प्रार्थना नहीं किया है। यही एक सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है मेरे प्रियो, लाजर की साथ इब्राहिम की गोद में शांति। लिसन मी केयरफुली, लाजर के साथ इब्राहिम की गोद में शांति हमारे लिए उस समय तक लागू होगी जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब लोग इब्राहिम की गोद में आत्मा और प्राण के साथ में शांति का एहसास करेंगे। इब्राहिम की गोद और कुछ नहीं है, सुखलोक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइज। ये जो पैराडाइज है वो जगह है जहां धर्मी लोग शांति पाने के लिए यीशु के दूसरे आगमन के आने का इंतजार करते हैं। हमारी सधी हुई भाषा को ध्यान से सुन लीजिएगा, हम सब मृत्यु के बाद इब्राहिम की गोद में शांति वाले युग में यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार करते हैं, जिससे कि जब यीशु मसीह आएगा तो वाया सुखलोक आएगा और हमारी आत्मा को साथ लेके आएगा और वो मध्य आकाश में रहेगा। तब वह पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के अनुसार मृत्यु को ललकारेगा और कहेगा ऐ मृत्यु, जितनी आत्माएं सुखलोक में गई मेरे साथ यहां खड़ी हैं, केवल उन्हीं के तन को छोड़, दारू मसी, बीड़ी मसी, झगड़ा मसी, लंद मसी, फंद मसी, उनके शरीर के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं लेता, परंतु जिन आत्माओं को मैंने सुखलोक से इब्राहिम की गोद से लाजर के साथ लाया हूं, देख ले केवल उन्हीं के शरीर को छोड़ना। ऐ मृत्यु, इनके शरीरों को छोड़ के बाहर चली जा। आपको जानकारी मिले, सारे वे मुर्दे जो माटी पर उन आत्माओं के निवास स्थान थे, जिनकी आत्मा मृत्यु के बाद में सुखलोक में चली गई है, उनके शरीर में फिर से जान वापस आ जाएगी, वे जी उठेंगे। और उसके बाद में स्वर्ग प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, अर्थात हर आत्मा को प्रभु अपने अपने शरीर में भेजेगा, जो मरणहार था अमरता को प्राप्त कर लिया है
वे अपने अपने शरीर में वैसे ही होंगे जैसे अदन के बगीचे में माटी के पुतले में प्रभु ने जीवन की सांस फूका था ना, उसी तरीके से हमारे माटी के पुतले को, ये माटी को जिसको, इस शरीर को जिसको कब्रस्तान के कीड़े खाके गोबर बना दिए और मट्टी बन गई, उसी गोबर से, उसी मट्टी से बने हुए मट्टी से परमेश्वर बिल्कुल इसी शकल में, इसी शकल में, उर्दू में बहुत अच्छा है, इसी शकल और अकल, इसी शकल में परमेश्वर हमें कभी नहीं मरने वाले शरीर को प्रधान दूत के शब्द के ललकार के शब्द के साथ में पैदा करेगा, क्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड करेगा, और प्रधान दूत के शब्द के साथ हर आत्मा अपनी महिमा की देह को पहनेगी, एंड देन फिर इसके बाद में, और जैसे ही वो निकल के बाहर आएगी तब तुरियां बजेंगी, टर 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 हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, मृत्यु का बल, मृत्यु का डंक पाप था और पाप का बल व्यवस्था था, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और उसके दोबारा आने के कारण मैंने मृत्यु के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है। तब शुरू होता है महा शांति का युग। लिसन मी केयरफुली, महाशांति, ये जो सुखलोक और पैराडाइज में थी ये टेम्पररी डिवाइन शांति थी, परंतु यीशु के दूसरे आगमन के बाद जिसका मुर्दा जिंदा हो गया उसकी जिंदगी पर अमर काल वाली शांति का इतिहास लागू हो जाएगा, वो कभी नहीं समाप्त होगी। आपकी आत्मा, आपका अपना शरीर एक बार कभी नहीं मरने वाले शरीर में रूपांतरित होने के बाद यदि वो पहन लेगी तो फिर स्वर्ग में, अभी एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं गया है याद रखिएगा, ना इब्राहिम गए, ना आदम गए, ना आम के गए, ना डम के गए, ये सब नग्न हैं, आत्मा अकेली है, और आत्मा को जब तक शरीर नहीं पहनाया जाएगा तब तक वे अमर वाली शांति के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद मरे हुओं के जी उठने की घटना जिस व्यक्ति के साथ में लागू हो गई, उस व्यक्ति के साथ में अमर वाली शांति, अल्फा और ओमेगा वाली शांति हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली लागू हो जाएगी, और उसके बाद में फिर हमें कभी भी थकने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु सवाल ये है कि ये शांति जो लाजर पा रहा है, एक बार हमारी एंट्री सुखलोक में हो गई तो यीशु के दूसरे आगमन की तारीख के मामले में टेंशन लेना बंद कर दीजिए। आप उसको जब आना है तब आएगा, अभी तो आप टेम्पररी भोग लगाइए सुखलोक में, जब आना है जब आए, उससे कोई टेंशन नहीं। जो लोग सुखलोक में चले गए, जो लोग इब्राहिम की गोद में चले गए, जो लोग मृत्यु के बाद में लाजर के साथ हैं धर्मी लोक में, सुखलोक में, मान लीजिएगा यीशु जब आना है तब आए, वो वाया सुखलोक ही आएगा, और फिर आपके शरीर को अमर बनाना गारंटी है क्योंकि आपका रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाएगा। अभी आपको सबको ई टिकट मिली है और वेटिंग लिस्ट है। हालेलुया, अच्छे से समझ लेना, ईसाई मामा से पैदा होने से ऊपर जाने की गारंटी नहीं है। हाँ, आपको जिस भी संस्था का बपतिस्मा लेना है ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बपतिस्मा आपको ऊपर की मोहर नहीं लगाता, ये तो टेम्पररी बंदोबस्त है सर, परमानेंट थोड़ा ही ना है। चले आगे, कल जरूर आइएगा, हम आपको ऐसी ऐसी चाबी दे देंगे धरती के किसी भी बाइबल स्कूल में नहीं मिलेगी। वो तो किस्मत जाग गई कि आप और हम दोनों यहाँ हैं, नहीं तो फूटी तो थी, रिजर्वेशन तो नीचे का पक्का था ही था। अरे भाई, चर्च के पास में थोड़ी ना ऊपर का दरवाजा खोलने की कोई कुंजी है, याद रखिएगा। शांति, आप शांति की परिभाषा तो सुन लीजिएगा पहले अच्छे से मेरे प्रियो। अरे भाई साहब, किसी को बड़ी का तूफान उठा है, किसी को लव यू का तूफान उठा है, एक बीबी तो संभलती नहीं, पड़ोसन को डोरे डाल रहे हो। अब तुम बोलते हो ये परमेश्वर का दास कहां से हुआ, आप ही बता दीजिएगा। ये मोबाइल को देखिए, है ना, अब आप बताइए ये शर्ट में हम जेब किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। तो दिल किधर रहता है? लेफ्ट साइड में। तो मोबाइल कहां रखेगा?
गया ना बीबी की जगह ले लिया कि नहीं ले लिया। अब धड़कन की, अब बताइए आपका दिल किसके लिए धड़केगा। इसलिए 24 घंटा इचिक बिचिक ये इचिक बिचिक पता नहीं कहां से हमने सीख लिया है। समझ में आ गई बात। अब आप बताइएगा इससे बुद्धि बढ़ती है क्या? और रात की 11 भर बजने दे फिर उसके बाद देखना। खोलते खोलते जियो सिम में फोकट के चंदन घस मेरे नंदन भाई, इसमें तो जियो 8 घंटे 4 घंटे जितने चलाना चले जाओ ना, 2 GB है, कोई टेंशन की बात है क्या? फिर देख लेना 11 बजे के बाद में पत्नी को सोने भर देते हैं, कान में लगा दिए 2 ढक्कन और उसके बाद में दीवार के तरफ मुंह करके, अरे कौन सी वेबसाइट खोला था रे बाप है? अरे पापी थोड़ा शर्म तो खा ले है। और सुबह जाके चर्च में तुमने प्रभु भोज खा गए और रात में पता नहीं क्या देख रहे थे। सांकेतिक भाषा में मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, पोर्नोलॉजी, सीधा सीधा बोलो। अब क्या टेंशन लेना, हम सुबह शाम उसी में घुले हुए हैं, तो मैंने बोल दिया तो टेंशन क्या बात की है। और ये जवान लड़के लड़कियों को भी देखो, रात के 11 बजे के बाद चादर ओढ़ लेते जबकि गर्मी के दिन है, और 2 वायर निकाले कान में लगा दिए और थोड़ा सा छोटा वाला माइक फुसुर 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 फुसुर, और ये नेटवर्किंग रात के 3 बजे तक चलती। पापा बोलते बेटा सो रहा, मम्मा बोलती बिटिया सो रही। अरे बाबा अमेरिका से फोन आया था क्या? रात के 12 बजे से 3 बजे तक कौन सा वाला नेटवर्किंग काम कर रहा था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव यू नहीं आई समझ में? अब हमें जरा भी होश नहीं है कि हम पाप की कीचड़ में इतने फंसे हैं, और उसके बाद यह सोच रहे हैं कि वो हमको लेके आए लेके जाएगा। कभी नहीं ले जाता, गारंटी, लिख के रखो। और याद रखना यदि कोई स्वर्ग में आके देखे तो चौकीदार हम ही रहेंगे वहां पर, याद रहे, एक को भी घुसने नहीं देंगे हम। 3 सितारे वाली वर्दी 12 साल पहना के चोर पकड़ने की अच्छी सी प्रैक्टिस दे के रखा मालिक, ऐसे लाके यहाँ खड़ा नहीं कर दिया, एक भी पापी को घुसने नहीं देंगे। नहीं तो प्रभु जी 45 साल तेरी खिदमत के ये पापी अंदर कैसे आया पूछ लूंगा? प्रभु पूछने नहीं देगा, पहले निपटा देगा, याद रखना है। हालेलुया, टेंशन में तो नहीं आ गए आप? जो इस संसार में ही आशा रखता है मसीह से, वह सब बातों में अभागा है। जी हाँ, हमें जरूरत है उस जीवन के बारे में सोचने की, उस वाली शांति को जिसने लाजर ने पा लिया, उस वाली शांति को जो लाजर को भी मिलेगी यीशु के दूसरे आगमन के बाद में, अमर वाली शांति। फिर वो शांति हमसे कभी भी छीनी नहीं जाएगी, वही है शांति का राजकुमार। मेरे प्रियो, आज हमें शांति की परिभाषा देने में ही अपना समय खर्च करना पड़ा, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही रहा होगा। प्रभु यही चाहते हैं, यदि केवल इसी जीवन में हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। हमें प्रभु जी कहते हैं इस संसार में हमको जरूर आशा रखना है। वो ये नहीं बोल रहा है कि चंगाई के लिए प्रार्थना मांगना बंद कर दीजिए, वो ये नहीं बोल रहा है कि नौकरी के लिए प्रार्थना बंद कर दीजिए, वो ये नहीं बोल रहा है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना। देखो बोल के फंसा ना, जो उसमें लिखा है जो कुछ भी तू मेरे नाम से मांगोगे मिलेगा, प्रभु तूने बोला है करना तो पड़ेगा। प्रभु कहते हैं बोल दिया रे बाबा करना तो पड़ेगा, नहीं तो झूठों की लिस्ट में आ जाएगा और मेरे को परमेश्वर की कुर्सी से उतरना पड़ेगा। वायदा किया परमेश्वर नहीं मानता बोल करके मुझे तो परमेश्वर की उपाधि से छीन लिया जाएगा, मुझको कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा। इसलिए जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मेरा देना मेरी जरूरत है और मजबूरी है। परंतु एक बात याद रखना, जो मांग रहे हो वो तो मांगो ही मांगो, परंतु जो मांगना चाहिए वो तो मांगते हो नहीं। भाई आपने वो मांग लिया यूज एंड थ्रो डिस्पोजल ग्लास के समान, चंगाई मांगी, बताइए आप कितने दिन चलेगी? और हमसे भूत निकलवा ली भी, निकलवा भी लिया, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग, तो बेचारी निकलती और ये बाप रे दाढ़ी वाला इतने जोर से चिल्लाया चलो भागो, वो गेट में खड़ी होती और वो अंधेरे में कहती बाप रे बाप इसने भगा दिया और वो मेरी दास दोस्त तो अंदर बैठी है बैठा है, ठीक है कि नहीं? वो अंधेरे में कहता अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बेघर बार हो गया, ठीक है कि नहीं? वो दुष्ट आत्मा बोलती कोई बात नहीं, कितने बजे तक मीटिंग चलेगी? वैसे 9:30 में ब्रेक लगाना है,
इसके बाद तो बाहर यही ना रास्ते से आएगी, कोई बात नहीं, थोड़े समय तू भी इंटरटेनमेंट कर ले, मैं भी थोड़ा दायां बायां देख लेता हूँ ट्रैफिक में क्या चल रहा है मामला। और जैसे मीटिंग खत्म होती गेट में जाइएगा, वो कहता है चल तो कल से नहीं आने का। पता नहीं किसकी किसकी बात सुनती, वो तो दाढ़ी वाले इतने जोर से चिल्लाए भगा दिया मेरे को और तू अंदर बैठी है और कल से नहीं आने का मीटिंग, ठीक है ना, और आए भी तो कान में बात नहीं सुनने का। भाई साहब हमसे दुआ करवा भी लिए ना तो बीमारी का टेम्परेरी बंदोबस्त होगा, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, हम भूत निकाले आप बीड़ी पीपी के बुलवा लेना घर में, हमने यहां से निकाला और जैसे ही आपने मोबाइल खेलना शुरू किया, ए दरवाजा खुला चलो अंदर, एक एक अच्छा अभी तो एक निकली थी पूरी सात आ गई और पूरे मोहल्ले के अंदर, अब तो वो तुमको और भी नहीं निकलने वाले हैं, पहले तो निकल भी लिया एक था बोल करके हमसे भूत, अब एक दर्जन है कहां से निकलेगा आप ही बताइए, आप क्यों टेंशन देते हो उसको बुला के हमको। सावधान मेरे प्रियो, इस ही जीवन में आशा, इसके बाद वाली आशा। एक बात बोल के हम खत्म करना चाहते हैं, ढाई मिनट और भी हमारे पास बचे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उस जीवन का बंदोबस्त कर दिया, लिसन मी केयरफुली, यदि कोई व्यक्ति उस जीवन का बंदोबस्त कर लिया तो इस जिंदगी के सारे प्रश्नवाचक चिन्ह एक ही मिनट में आपसे आप डिलीट हो जाएंगे, जैसे कंप्यूटर से आपकी फाइल डिलीट हो जाती है, गार्बेज में चली जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में उस जीवन का बंदोबस्त कर लिया, इस धरती के अंदर वाली जिंदगी के सारे प्रश्नवाचक चिन्ह एक मिनट में खत्म हो जाएंगे, फिर दुआओं का विषय समाप्त हो जाएगा, केवल धन्यवाद का विषय हमारी जिंदगी में रह जाएगा। That's the reason. आपको एक बात बता दें, जिसके जीवन में ऊपर के मामले में चिंता सताने लगती है वह संसार की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की मूर्खता बंद कर देता है, कटु शब्द है। जिसने अपने आत्मिक जीवन में मृत्यु के बाद वाले जीवन के बारे में सावधान रहते हुए उसका इंतजाम कर लिया, उसकी धरती की प्रार्थनाओं में ब्रेक लग जाता है, वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रार्थना करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया है ऐसे नहीं तो वैसे 70 तो वैसे भी गुजरने हैं, परंतु उस जीवन में तो करोड़ों करोड़ों साल रहना है। और जिसने करोड़ों साल की जिंदगी का वो धन धरती पर इकट्ठा कर लिया, आपको जानकारी मिले प्रभु जी, शैतान भी कहेगा रे बाबा इसने तो सीधा सीधा तीसरे आसमान से करंट जोड़ लिया, दूसरे आसमान में तो लीकेज होने ही वाला नहीं है, इसलिए इसके पीछे न जाने के समय अपना टाइम बर्बाद मत करो, दूसरों के कानों में ढक्कन लगाओ कि ये सत्य उनके जवान में उनके कान में ना आ जाए। 1978 के बाद मुझे बुखार नहीं है, इन 40 सालों में मुझे सिर दर्द नहीं हुआ, अभी कोई शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं, मेरे कमर नहीं दुखती। अभी बीते दिन हम 63 घंटे फ्लाइट ट्रेन खड़े रहे, स्टेज में बैठे रहे, 53 घंटे में से करीबन 12 घंटे हम पैर में थे और 3 घंटे हम बिस्तर में थे, 53 घंटे में से 2 full days and 1-2 nights हम बिस्तर में सोए ही नहीं, स्टेज से उतरे, फ्लाइट से उतरे, स्टेशन से उतरे, मीटिंग और मीटिंग से, ऐसा करके आपको मालूम हो इस 53 घंटे में 12 घंटे खड़े रहने के समय उसमें 3 घंटे हम बिस्तर में लेटे थे, वो भी ट्रेन चेंज करने के लिए। उन सारे समय में मेरी कमर में हड्डी में दर्द नहीं हुआ, नींद नहीं आई, बस फ्लाइट में 15 मिनट जो ढुलकी ले ली बस वही था। आपको मालूम है ये दर्द और बीमारी और उग्र और सुगर ऐसे भाग जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। आपके गुजरात में गधे के सिर में सींग होता है क्या? नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी नहीं होता। ये शरीर बीमारियों के रहने की जगह है क्या? मुझे समझ में नहीं आते शुगर क्या कर रहा है परमेश्वर के मंदिर में, ये ब्लड प्रेशर कर क्या रहा है, ये आर्थराइटिस क्या कर रहा है। 20 रुपए 50 रुपए चंदे में आते हैं, डॉक्टर साहब को 50 रुपए देकर के इलाज करवाइएगा ना,
है? उधर तो गुलाबी कलर की नोट में तो दक्षिणा शुरू होता है, इलाज तो बाद में होता है, और यहां 50 की नोट नहीं, उठा के देखो थैले के अंदर में 50 से बड़ा, सबसे बड़ा हल्ला करने वाला 50 का नोट होगा। हाँ, 10 रुपए के ऊपर में दादागिरी करता है वो। अभी बीते दिनों में इंदौर में हमारी मीटिंग चल रही थी, करीब सर मैं क्या बताऊं, इतने बड़े पॉलिथिन में हमको भेंट दिया गया जिसमें से मात्र 20-25-50 के नोट थे। वो क्या बोल रहे थे, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम करीबन 3000 10-10 के नोटों पर शहंशाह हैं। अब आप बताइए सर, दिस इज द चर्च। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले, हमने ऊपर की चिंता नहीं की, आप 2 दिन तो ठहरिए, हमें प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। ये शांति महोत्सव, धरती की शांति, मरने के बाद वाली शांति और स्वर्ग में प्रवेश की शांति, ये 3 शांतियां हैं। जीते जी शांति चाहिए, मरने के बाद सुखलोक में शांति चाहिए, और यीशु के दूसरे आगमन के बाद अमर शांति जो हमको महिमा की देह पहन के अपनाना होगा, उस शांति की तलाश में लगे रहें। कल फिर मुलाकात होगी, दुआ करें। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और इसे अगले 2 मिनट में हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना कर देंगे।